एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे पूजा सिंह ब्लॉग। तो आज का ये ब्लॉग है मेरे नवरात्रि के 9वें दिन का, जिस दिन हम लोग कंजके बिठाते हैं, तो उस दिन का ब्लॉग है ये मेरा। तो देखिए, सुबह उठ के पहले तो मैं सबसे पहले झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि मेरा सबसे पहले काम यही रहता है कि सवेरे उठते से ही मतलब फ्रेश वगैरह होके उसके बाद अपने घर के सबसे पहले झाड़ू निकाल लेते हैं कि मतलब जो भी कचरा है वो घर से बाहर चला जाए, नेगेटिविटी। जब भी हम सुबह सुबह झाड़ू लगाते हैं तो हमारे घर से नेगेटिविटी भी बाहर हो जाती है। तो देखिए, इधर मेरा बेटा अभी सो रहा है और मेरे हस्बैंड भी सो रहे हैं, तो मैं सुबह सुबह लग गई हूँ बस अपने काम में। तो आज अष्टमी क्या मतलब नौमी के दिन हम लोग कंजके बिठाते हैं। और देखिए, इस अपने वाले रूम में हमने जो है कि जो हमारा शोकेस था सामने फ्रंट पे, तो उधर का हमने शोकेस बंद कर दिया, और वहाँ पे पहले ग्रे कलर था तो हमने उसको कलर चेंज करके येलो कर दिया। और बेड हम लोग इस साइड ले आए, और मतलब ये साउथ की साइड है बेड, और टीवी इधर आ गया है। तो इधर मतलब बढ़िया हो गया है, मतलब एकदम अच्छे से जगह भी खुल गई है। अलमारी, पहले हम लोग जो बेड रखे थे ना, तो अलमारी रखने की जगह नहीं हो रही थी, अलमारी खुल नहीं रही थी, तो इसीलिए हमने बेड इधर कर दिया और टीवी को उधर कर दिया, शोकेस बंद करा दिया। तो अब हम आगे चल के मतलब अलमारी भी अब न्यू लेंगे ना, तो इसीलिए उसके कारण जगह नहीं बच रही थी, तो इसीलिए हमने ऐसे चेंज किया, और अब अच्छे से अलमारी भी वहाँ पर फिट हो सकती है। पहले मैंने सोचा था कि यहीं पे कंजके बिठा लेंगे जहाँ पे मैं इस टाइम झाड़ू लगा रही हूँ, पर फिर यहाँ पे मतलब जो हमारे न्यू बाथरूम हमने बनवाया, तो वहाँ पे गेट लगाने के लिए आ गए थे मिस्त्री, तो इसीलिए वो अपना काम यहाँ पे खिलारा डाल लिए थे। तो इसीलिए मैं जहाँ मतलब हमारा जो लॉबी है, लिविंग एरिया, तो वहाँ पर हमने कंजके बिठा ली थी। उसके बाद देखिए, मैंने झाड़ू लगाने के बाद फटाफट सबके लिए चाय बना के दे दूँगी, तो सभी चाय पी लेंगे, उसके बाद फिर मैं अपना आगे का काम करूँगी। सबसे पहले चाय ही सबको चाहिए सुबह। तो देखिए, उसके बाद मैं पोछा लगाने लगी। क्या है ना कि हम लोगों ने कंजके सुबह नहीं बैठाई, क्योंकि मैंने जब बोला था अपने मतलब पापा जी को कि भाई कंजके सुबह बैठानी है, तो उन्होंने मतलब जिन लड़कियों से बोला था उनके जिनके घर जाके, तो वो लोग कह रही हैं कि नहीं, ये लोग स्कूल जाएंगे तो शाम के टाइम आप लोग बैठा लेना। तो फिर इसीलिए मैंने जल्दी नहीं की, तो सुबह उठ के आराम से मैंने अपना सारा काम निपटाया, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं थी, तो क्योंकि शाम को ही बैठाना था। पर शाम को भी कंजके आई नहीं उतनी, मेरा मन बहुत मतलब उदास हुआ मैं, कि इतना सोचा था कि भी चलो सुबह कह रहे कि सब लोग स्कूल जाएंगे, वैसे गया तो कोई भी नहीं था। मैंने देखा कि सभी बच्चे गली में खेल रहे थे, आवाज़ बहुत आ रही थी, लड़कियां सब इधर उधर जाके खेल रही थी, तो चलिए क्या कर सकते हैं, जैसी माता रानी की कृपा। तो फिर भी हो गई थी साथ। और देखिए, उसके बाद हमने सब लोगों ने मतलब खाना खा लिया था, और उसके बाद मैंने नहा के, ये दोपहर का टाइम हो गया, फिर मैं क्या कर रही हूँ ना, सभी जितने भी थोड़े बहुत बर्तन जो बाकी रह गए थे धोने वाले, तो उनको मैं वॉश करके और किचन वगैरह साफ करके उसके बाद अपने भोग की तैयारी शुरू कर दूँगी। तो देखिए, मैं पहले चली गई थी आरब को, स्कूल छोड़ा हमने, स्कूल छोड़ के फिर उसके बाद मैं भी गई थी, मेरे को कुछ टेस्ट करवाने थे, तो फिर मैंने अपना टेस्ट करवाया। उसके बाद घर आने के बाद फिर मैंने अपना सारा काम शुरू कर दिया फटाफट से, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था आने के बाद। नहा मैंने पहले ही लिया था सुबह, नहा के ही गई थी मैं अपनी पूजा वगैरह करके। तो देखिए, बर्तन धो के उसके बाद फिर किचन की सफाई करने के बाद फिर मैं भोग तैयार करूँगी। भोग में मैं बनाने वाली हूँ काले चने और वाइट चने, उसकी दाल बनाऊँगी मैं वाइट चनों की, मतलब छोले बनाऊँगी, और साथ में हलवा और पूड़ी, इतनी चीज़ें बनाऊँगी मैं।
तो इधर मैंने पहले भिगो के एक रात पहले ही रख लिया था। और ये था ना कि मैंने पहले सुबह पहले कल दोपहर के टाइम मैंने भिगो दिए थे चने, और मैंने सोचा कि कल सुबह ही मॉर्निंग में फटाफट से मैं कंजके बिठा लूँगी, 2 बजे उठ जाऊँगी, उसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद अपना 2-3 बजे से लग जाऊँगी अपना बनाने के लिए। तो फिर जब तक कि मैंने सोचा था कि तब तक नहीं फूलेगा, मतलब चने जो है वो पानी में डालने पे फूल जाते हैं ना, तो वो मैंने सोचा कि नहीं हो पाएगा उतने टाइम तक, इसीलिए मैंने क्या किया दोपहर के, कल दोपहर को ही मैंने कर दिया था। तो पर शाम को जब पता लगा कि नहीं कंजके सुबह नहीं बैठानी शाम को बैठानी, तो फिर मैं पछता रही थी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था उसको पानी में डाले हुए, और मेरे दिमाग में भी रहने नहीं आया कि मैं फ्रिज में रख दूँ उठा के। तो थोड़े से ना जैसे लग रहा था ना उसमें थोड़ी सी स्मेल आने लगी, जैसे लग रहा था कि ख़राब होने लगा है, तो फिर भी ठीक था, मतलब ख़राब नहीं हुआ था। फिर मैंने फटाफट से बना लिया था। देखिए उसके बाद मैं किचन की टाइल्स भी, मतलब अच्छे से किचन की सफाई कर लूँगी, सुबह तो मैंने कर ली थी, फिर भी एक बार भोग बनाने से पहले अच्छे से सफाई करनी बहुत ज़रूरी होती है, तो वही मैं सफाई कर रही थी। और ये रेड कलर का जो डोलू है इसमें हमारा दूध आता है, तो वही मैंने ना इसको सूखने के लिए ऐसे कि हवा फिर जाएगी ना तो इसके अंदर से स्मेल नहीं आएगी, तो इसको मैंने ऐसे ही खुला छोड़ के ऐसे लेटा दिया था। और देखिए फिर मैंने उसके बाद फिर से दोबारा से सिर्फ किचन में पोछा लगा लिया। अब लगे हाथ ही मैंने अपना भोग बनाना तैयार कर दिया था। नवरात्रि एक ऐसा फेस्टिवल है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ उसमें, जैसे कि माता रानी की चौकी सजाना, उनके मतलब अच्छे अच्छे वस्त्र लेकर आना, मतलब अच्छे से उनको सजाना, उनकी अच्छे से पूजा करना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हर नवरात्रि में मैं ज़रूर उनकी सेवा करती हूँ। और वैसे तो जब कभी ऐसे होता है बाय चांस नहीं कर पाती हूँ, वो तब होता है जैसे कि कोई हमारे मतलब रिश्तेदार में या फिर आस पड़ोस में कोई ऐसी घटना सुनने को मिल जाए कि उसी टाइम कोई मरा होता है, तब उस टाइम हम लोग नहीं सेलिब्रेट करते, मतलब माता रानी का मतलब जैसे घर में फेस्टिवल कोई भी फेस्टिवल हो तो उनको हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते उस टाइम पे। ऐसे तो हम लोग रेगुलर बेसिस पे करते ही हैं। तो वही मैं फटाफट से भोग बना रही थी। और देखिए मैंने ना स्पेशल मतलब बर्तन भी रख रखे हैं, जैसे कभी भी किसी भगवान के लिए भोग बनाना होता है तो मैं इन्हीं बर्तनों का यूज़ करती हूँ। जैसे ये पीतल की एक कढ़ाई है मेरे पास, और एक वो जो नीचे वाली है वो लोहे की है, तो उसमें मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी, और ये जो पीतल वाला है इसमें मैं मतलब हलवा बनाऊँगी भोग के लिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके अब मैं बर्तन भी अपने जोड़ रही हूँ, जो कि पूजा पाठ वाले अलग कर दूँगी मैं, और रेगुलर जो हम लोग यूज़ करते हैं वो अलग रहेंगे, क्योंकि हम लोग लहसुन प्याज भी खाते हैं ना, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब हो पाएगा, जैसे माता रानी की कृपा होगी, वैसे वैसे मैं बर्त वाले भी बर्तन अलग कर लूँगी। और एक मैंने स्टील की भी कढ़ाई रखी है, वो भी मेरी इसी काम के लिए यूज़ होती है व्रत में भी, वो मैं आगे आपको वीडियो में आपको दिखाई देगा, जो मैंने पिछले साल शायद आई थिंक धनतेरस पे ख़रीदा था, तो वो भी देखिएगा, वो भी बहुत अच्छी कढ़ाई है, उसमें भी मैं भोग का ही ज़्यादातर खाना बनाती हूँ। तो देखिए मेरे हलवा के लिए पहले मैं ड्राई फ्रूट्स को देखिए इसको फ्राई कर लूँगी घी में हल्का सा ही, कि हल्का सा ब्राउन हो जाए, इससे क्या है ना कि ये कच्चापन सा टेस्ट नहीं आता इसके अंदर, ये बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपकी नवरात्रि कैसे निकली कमेंट बॉक्स में, आपने कैसे नवरात्रि आपने सेलिब्रेट किया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
देखिए, एक तरफ मेरे कुकर, इधर वाले कुकर में मैं कुकर भी सोच रही हूँ कि मैं फास्ट जो व्रत वाले बर्तन में वो कुकर भी शामिल करूँगी। तो ये तो रेगुलर बेसिस पे यूज़ होते हैं, तो अब क्या करूँ, नहीं है तो इसीलिए इन्हीं में बना रही हूँ। धीरे धीरे मैं ले लूँगी। तो एक तरफ देखिए, छोटे वाले कुकर में मैंने ब्लैक काले चने और जो बड़ा वाला कुकर है उसमें वाइट चने को मैंने उबालना शुरू कर दिया। और इधर पानी भी रख दिया मैंने, जो मैंने हलवे के अंदर डालना है उसमें शुगर डाल के, चीनी डाल के इधर उबलने के लिए रख दिया। देखिए, जब भी आप हलवा बनाते हैं ना, तो उसको अच्छे से, मतलब थोड़ा घी ज़्यादा डाल के अच्छे से उसको फ्राई कीजिए, मतलब भून लीजिए ब्राउन होने तक, तो हलवा बहुत टेस्टी बनेगा, कच्चा भी नहीं रहेगा। देखिए मैंने कितना टाइम लगा मुझे इसको लाल करने में, पर टाइम तो लगता है, पर फिर उसी हिसाब से टेस्ट भी फिर उसी हिसाब से आता है। जितनी हम लोग अच्छे से उसको मतलब ब्राउन करेंगे, तो उतने ही अच्छे से हमारा हलवा भी तैयार होगा। तो देखिए, हलवा मेरा लगभग बन गया है, पानी भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था जो उबल रहा था, और मेरा हलवा तैयार हो गया। और ये काले चने के लिए मैंने थोड़ा सा मसाले डाल के इसमें भिगो के रख दिया था मैंने पहले ही मसालों को, जिसके अंदर मेरे थे धनिया पाउडर, गरम मसाला हल्का सा, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक, थोड़ी सी मिर्च पाउडर मिक्स करके उसको मैंने फूलने के लिए रख दिया था पानी में। और उसके बाद उसको मैंने भून के और मैंने हलवे में डाल दिया था जीरे का फ़ौरन देके। और ये देखिए, अगली मेरी जो वाइट चने की सब्जी थी वो भी मैं ऐसे बना लूँगी, सिर्फ मिर्च, हरी मिर्च और टमाटर और जीरा डाल के, और थोड़े बहुत मसाले डालूंगी, मतलब प्याज लहसुन इसमें मैं नहीं डालूंगी, आलू भी मिक्स कर लूंगी थोड़े से। पहले तो मैं आलू मिक्स नहीं करती थी, इस बार पर मैंने मन किया मेरा कि चलो इस बार आलू भी डाल लेते हैं, तो मैंने ग्रेवी के लिए आलू भी डाल लेते। देखिए, अदरक को भी मैंने उसको थोड़ा सा बारीक कद्दूकस क्या मतलब कूट के डाल लिया था, और इसको पकने दूंगी जब तक मसाला जब तक पकेगा। उसके बाद मैं उधर अपना आलू छील ली थी, देखिए मैंने उसमें सब कुछ मिक्स करके डाल दिया होगा, वो मैंने वीडियो कट कर दी क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है ना वीडियो। तो यहाँ पे मैं पूड़ियाँ भी जल्दी जल्दी बेलना शुरू कर दी थी। आज पहली बार मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प कराई है, इनको कुछ आता नहीं है वैसे, इनको बोला मैंने कि चलिए हेल्प कराइए मेरी। तो देखिए कैसे आटे के मतलब छोटी छोटी लोइयां बना रही हैं पूड़ियों के लिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे हस्बैंड ने आज मेरी हेल्प की है। ये मेरा बेटा मुझे तंग कर रहा था कि मम्मा चलो ना, ऐसे कर ही जा रहा था काम। जब जब भी कोई काम होता है ना, तो बच्चे बहुत परेशान करते हैं, ये तो बात है। उसके बाद देखिए, मैंने ये बाहर भी पोछा लगा के, यहाँ पे कंजक खिलाऊंगी ना मैं, तो यहीं पे पोछा लगा के साफ़ कर लूँगी अच्छे से, और यहीं पे सब मतलब आसन बिछा दूँगी उनके लिए। ये कंजकें भी मेरी आ गई हैं, ज़्यादा कंजकें नहीं आई थी, सिर्फ सात ही आई थी, तो मैंने दो के लिए और थाली निकाल दी थी, मतलब जो इनके पेरेंट्स आए थे तो उन्होंने बोला कि दो और थाली निकाल लो कि नौ ऐसे पूरे हो जाएंगे।
तो मैंने ऐसे ही किया। वैसे सब लोग बोल रहे थे कि शाम को ज़्यादा आएंगी, शायद ज़्यादा आएंगी, आए तो है नहीं। वैसे बढ़िया तो मैं सुबह ही कंचे के बैठा लेती तो अच्छा रहता। सब तो घर पे ही थी, ऐसे ही बोल रहे थे कि नहीं स्कूल जाएंगी। तो चलिए क्या कर सकते हैं, आगे पहले तो मैं हमेशा सुबह ही बैठाती थी, इस बार ही मैंने शाम को बैठाया। चलिए कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम से मैं सुबह ही बैठाना शुरू करूँगी। इनके पैर वगैरह धुल के मैंने इनको, इनके पैर साफ़ करके इनको बैठा दिया था। और ये अब इनके मतलब भोग अर्पण हो रहा है। उससे पहले, सबसे पहले मैंने माता रानी को भी भोग चढ़ा दिया था, उसके बाद वो ही प्रसाद जो था वो मैंने पूरे प्रसाद में मिक्स कर दिया। उसके बाद फिर मैंने कंजके खिलाए। हम लोग ऐसे ही करते हैं, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो ऐसे जो पूरा भोग होता है ना वो प्रसाद ही बन जाता है। सभी कंजूके खाने के बाद अपने अपने घर जा रही हैं और उनकी मम्मी अभी साथ में आ गई हैं। ये जो साथ में यहाँ पे खड़ी हैं, इन्होंने भी कंजा खिलानी थी तो इसीलिए यहाँ से लेने आ गई हैं कि चलो चलो जल्दी, अब हमें हमारे घर कंजा खानी है। तो सब मैं उन्हें कोई कई दुपट्टे भूल गई थी यहीं पर, तो उनको मैं भिजवा रही हूँ अपने हस्बैंड के हाथ से कि जाइए आप दे आइए। और उसके बाद मेरे इतने सारे बर्तन हो गए थे ना, तो वही उसके बाद मैंने मतलब अपना रेस्ट करके उसके बाद ये सभी बर्तनों का ढेर धोने के लिए आ गई थी। पूरे किचन में बहुत फैला हुआ था, सब बहुत बर्तन हो गए थे, तो सभी को वॉश किया मैंने। उसके बाद फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हुई, उसके बाद बाकी सारे अपने काम किए। अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।